हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाई सुपर कैट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। जैसे कि आप भी जानते हैं, सीयूटी यूजी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्दी से स्टार्ट होने वाले हैं। और अब टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल निकाला है जहां पर ये बताया है कि सीयूटी यूजी 2024 रजिस्ट्रेशन टू बिगिन सून, चेक ऑनलाइन एप्लीकेशन गाइडलाइंस। ऑनलाइन एप्लीकेशन गाइडलाइन क्या है? देखिए, जब भी हम कोई भी फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं तो उसकी कुछ अपनी गाइडलाइन होती है। ऑनलाइन जब फॉर्म भरते हैं तो कंप्लीटली डिफरेंट होता है ऑफलाइन फॉर्मेट से। ऑफलाइन फॉर्मेट में आपको चीजें चिपका कर अटैच करके अपना पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना उसको भेजना होता है, लेकिन यहां पर चीजें बिल्कुल अलग है, सब कुछ डिजिटल है। तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है वाइल फिलिंग अप दिस यूटी यूजी 2024 फॉर्म। तो यहां पर देखिए, बहुत सारी इन्होंने बातें बताई है कि एप्लीकेंट मस्ट बी केयरफुल, फॉलो द गाइडलाइंस फॉर द फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड स्कैन डॉक्यूमेंट्स। 15 तारीख से लेकर 31 मई 2024 आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है, ऑलरेडी हमें पता है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं कि ऑल्दो देयर इज नो एनी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सीयूटी एग्जामिनेशन, और लेकिन ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी अभी डिपेंड करता है कि उनका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आप लोग किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि सीयूटी के अंडर आती है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि भाई, अगर हम बात करें यहाँ पर एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सीयूटी एग्जाम की, तो इसका रजिस्ट्रेशन जैसे ही ओपन होगा तो आप लोगों को अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड या फिर एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो डालना है, अपने मार्क्स जो है वो डालने हैं, जो भी आपके मार्क्स आए हैं 12th में या 10th में। ऑब्वियसली बात है, अगर 12th अपियरिंग है तो फिर 10th वाले मार्क्स आप डालेंगे, अपने क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डालेंगे, आप अपनी फोटोग्राफ की इमेज डालेंगे, अपने सर्टिफिकेट डालेंगे, जैसे कि पीडब्ल्यू बीडी सर्टिफिकेट हो गया, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला जो सर्टिफिकेट है, एससी एसटी वाला सर्टिफिकेट हो गया, ओबीसी एनसीएल वाला हो गया, जनरल ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट हो गया। ये कुछ ऐसे सर्टिफिकेट है जो कि आपको अपलोड करने हैं एज पर दी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट बाय दी एनटीए। इसके बाद यहां पर देखिए, कैंडिडेट मस्ट बी वेरी केयरफुल वाइल फिलिंग अप दी फॉर्म वाइल अपलोडिंग दी योर डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट में कुछ भी ऊंच नीच पाई जाती है तो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस ये ध्यान रखें कि आप लोगों को अपना फॉर्मल फोटो डालना है, कोई ऐसा वैसा फोटो नहीं कि चश्मे में खड़े हैं और इस तरीके से काले चश्मे में खींच के फोटो, नहीं, इसकी अपनी गाइडलाइन होती है। फॉर्मल फोटो होना चाहिए जो कि किसी भी संस्था द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। अगर हम बात करें यहां पर देखिए, एनटीए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग ऑफ फोटोज इन दी एप्लीकेशन प्रोसेस, बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी है एनटीए ने जो कि आपको फॉलो करनी है व्हाइल अपलोडिंग योर डॉक्यूमेंट्स। यहां पर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरे का पूरे बुलेट पॉइंट में समझा दिया है। एंश्योर करें कि जब आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो डालें तो उसमें 80% आपका फेस विजिबल होना चाहिए विदाउट मास्क, मास्क नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट अ व्हाइट बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड पर होना चाहिए, काला मतलब ब्लैक एंड व्हाइट हो या फिर आपका कलर फोटो हो चल जाएगा। आपकी स्कैंड फोटोग्राफ और सिग्नेचर क्लियरली विजिबल होने चाहिए जेपीजी या जेपीजी ईजी फॉर्मेट में, और स्कैंड फोटोग्राफ की बात करें तो उसका साइज भैया बहुत सही से डिफाइन किया हुआ है, 10 KB से लेकर 200 KB तक। स्कैंड सिग्नेचर की बात करें तो 4 KB से लेकर 30 KB। अगर आप बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट की, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो, तो 50 KB से लेकर 300 KB होना चाहिए, और उसका जो फॉर्मेट होगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, ऑब्वियसली बात है। अगर हम बात करें पीडब्ल्यू पीडीएफ सर्टिफिकेट की, तो 50 KB से लेकर 300 KB पीडीएफ फॉर्मेट में। यहां पर एक बात और ध्यान रखना, वो बच्चे जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं, वो बच्चे जो कि ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हैं, मतलब उनकी पेरेंट्स की इनकम या फैमिली इनकम की बात करें तो वो 8 लाख रुपए साल से कम की है, तो फिर वो ऑब्वियसली बात है जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के अंदर आते हैं। उनके डॉक्यूमेंट पर डेट होनी चाहिए 1 अप्रैल 2023 के बाद की, मतलब उनका जो डॉक्यूमेंट है या तो 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का इश्यू होना चाहिए, अगर उससे पहले हुआ तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल ईयर घटता बढ़ फाइनेंशियल ईयर हमेशा आता है तो फिर भाई जो इनकम है वो बढ़ती रहती है, ये मानती है गवर्नमेंट। जनरली देखा जाता है कि कहीं घटती भी है बढ़ती भी है, लेकिन गवर्नमेंट ये मानती है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो फिर ये जो भत्ता है साल भर का इसको बढ़ा देती है गवर्नमेंट। तो इस बार अगर 8 लाख रुपए साल है तो हो सकता है कि कभी आने वाले टाइम में ये 10 लाख रुपए साल हो जाए। तो अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है 1 अप्रैल 2023 से पहले का, तो उसको अभी से रिन्यू करा लो, दोबारा से बनने भेज दो। एस सी एस टी पीडब्ल्यू बी डी सर्टिफिकेट जो है अगर आपके पास नहीं है, या जनरल ईडब्ल्यू एस ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, आपने बनने दे रखे हैं,
और तुरंत आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिलीज हो जाता है, तो तब क्या आप डालेंगे? तो वेट करते हैं कि आप लोगों का पहले तो सर्टिफिकेट बनकर आ जाए, अगर नहीं है तो एनटीए अपनी तरफ से ब्रोशर के अंदर सीयूटी यूजी की फॉर्म फिलिंग के दौरान जब ब्रोशर रिलीज करता है तो फिर वहां पर एक डिक्लेरेशन फॉर्मेट डालता है, तो आपको डिक्लेरेशन में सारी चीजें भर देनी है और उसको एक अटेस्टेड करा लेना है गजेटेड अफिसर ने, तो फिर ये मतलब प्रूव हो जाएगा कि आप लोग ओबीसी एनसीए से हैं या जनरल ईडब्ल्यूएस से, या फिर आपकी कैटेगरी ये है, और आप इन द कमिंग टाइम व्हाइल टेकिंग द एडमिशन इनटू द कॉलेज या यूनिवर्सिटी आप अपना सर्टिफिकेट जमा कर देंगे, अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी के अंदर कंसिडर किए जाएंगे, कोई भी कोटा नहीं लगेगा। विश्व वेरी गुड लक गाइस, बहुत अच्छा ये आर्टिकल आया था, सोचा आप लोगों को समझा दूं कि क्या क्या चीजें हैं जो कि अभी से आपको तैयार कर लेनी है।